हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे सीखा जाए की व्याख्या करती है। शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है। पहली बात, मनोविज्ञान जो है सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे सीखा जाए की व्याख्या करती है। दूसरी बात, शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है। क्रो व क्रो के अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन है शिक्षा मनोविज्ञान की एजुकेशन साइकोलॉजी की, यह क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे सीखे जाए की व्याख्या करती है और शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है तथा और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है, अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में गहरा संबंध है। मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है, अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में गहन संबंध है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षु धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन जो है लेटिन भाषा के एडुकेयर एवं एडुसियर से बना है जिसका अर्थ है नेतृत्व देना, बाहर लाना। शिक्षा तो क्या है, संस्कृत का एक धातु है जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, क्रिया हिंदी में बोलते हैं शिक्षु धातु, जिसका अर्थ है सीखना। और सीखना अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लेटिन भाषा के एडुकेयर या फिर एडुसियर से बनाया जिसका अर्थ होता है नेतृत्व करना और बाहर लाना। ठीक है, अब है शिक्षा का अर्थ। क्या शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ एक वाला पॉइंट है संकुचित संदर्भ में, मतलब छोटे दृष्टिकोण में या प्राचीन दृष्टिकोण की बात करें तो शिक्षा का अर्थ क्या है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध 1879 तक औपचारिक शिक्षा, किताबी ज्ञान, शिक्षा विद्यालय तक सीमित, ज्ञानात्मक पक्ष पर बल, सैद्धांतिक पक्ष पर बल। इसके बाद है व्यापक संदर्भ, नवीन दृष्टिकोण, यह है 1879 से लेकर अब तक 20वीं सदी। अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा जीवन पर्यंत, सर्वांगीण विकास पर बल और व्यवहारिक पक्ष पर बल।